हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। कल हम आकर रुके थे गंगोत्री में, इस टाइम है हम गंगोत्री में और जा रहे हैं टेंपल। उससे पहले करते हैं गुड मॉर्निंग सुनील भाई को और साक्षी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनील भाई, ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नींद वींद आ गई थी रात को? हाँ, नींद तो आ गई थी, बहुत बहुत बढ़िया नींद आई, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड थी, -3 या -4 डिग्री साक्षी ने देखा था। दो ब्लैंकेट और एक रजाई लेके सोना पड़े। हाँ वो तो है, वो तो सही है। और अपना, और हम सुबह उठे भी सब लेट ही हैं, आराम से उठे। और दो दिन के बहुत हेक्टिक ट्रैवल के बाद आज हम बड़े आराम से उठे। सुनील भाई तो उठ गए थे फिर भी जल्दी, क्योंकि इन्होंने ना पहले सोचा था ये नहाएंगे नहीं, लेकिन यार फिर जब गर्म पानी की बाल्टी आई तो सुनील भाई नहा लिए। मैं नहा लो। तो इन्होंने सोचा था गंगोत्री में या गंगा में ही नहाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ये नहाते हैं या नहीं नहाते। ब्रेकफास्ट करके सुनील भाई को नहाने की कोशिश करेंगे। मंदिर जाने से पहले नहाना जरूरी है, तो देखते हैं वो नहाते नहीं नहाते, ठीक है ना। नहीं तो मुँह हाथ हो गया भी काम चलेगा। नहीं नहीं, मुँह हाथ तो हो गया जी, नहाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ठीक है, चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। चलो एक एक प्लेट सब ले आओ। एक ही प्लेट जिनको कहना है टिक्की, तो टिक्की की खा लेते हैं। वैसे तो हमारा आज डालू है, ठीक है ना। वैसे तो हमारा आज प्रोग्राम था कि हम गंगोत्री बस टेंपल जाके वापस जाएंगे यहाँ से केदारनाथ की तरफ, लेकिन हमने प्लान बनाया कि हम एक दिन और यहाँ रुकेंगे। और क्योंकि साक्षी की भी अभी क्लास है 2 बजे से 3 बजे तक, फिर 3 से 4 दो क्लासेस हैं। क्लासेस के बाद फिर हम जाएंगे थोड़ा घूमने आसपास, और शाम को 6 बजे की आरती अटेंड करेंगे गंगोत्री टेंपल की, ठीक है जी। थोड़े वो परोठे खाए हैं ना, तो ऐसे लग रहा है ऐसे कुछ नींद सी आ रही है। नींद से परोंठों के चक्कर में, हम परोंठों के चक्कर में एक दिन और यहाँ रुक स्टे कर रहे हैं, ठीक है, खाने के चक्कर में। हाँ जी, 2 घंटे तो हम फ्री हैं। सुनील भाई और मैं यहाँ धूप में बैठेंगे आराम से। सामने आप सीन देखो हमारे रूम के सामने, और नीचे सड़क, और आपको मैं रूम दिखाता हूँ। रूम भी यहाँ बढ़िया है वैसे तो। रूम ठीक है? हाँ भाई, नहीं ठीक है, रूम छोटा है लेकिन बढ़िया है, साफ सुथरा है। तो राजस्थान में भी आप जाते हो तो रूम शूम्स ऐसे मिल जाते हैं वहाँ पर? राजस्थान में रूम तो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें एक तो पेंटिंग तो होती है, होटल वालों ने की हुई होती है। हाँ, उसके बाद मतलब टूरिस्ट हमारे इंडियन भाई लोग आते हैं ना, वो अपना नाम भी लिखाते हैं। मैं यहाँ आया था, मेरा नाम और ये मोबाइल नंबर रूम के अंदर। हाँ, तो वो मतलब अपनी कोई ना कोई निशानी आपको पता ही है, छोड़ दे, पत्रों में भी लिख देते हैं। हाँ जी। ओ माय गॉड, तो सुमेर सिंह जी हमारे साथ, जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे को गंगोत्री में 4-5 जगह घुमाएंगे। कहाँ कहाँ घुमाओगे भैया? गौरीकुंड, सूर्यकुंड, पांडव गुफा, टांगणा और आर्ट गैली। अच्छा, पहले अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड। ये गोरी कुंड है, ये जो देखो गणेश का वो बन रखा है, गणेश का आकार बन रखा पूरा। अच्छा, पत्थर है ना? हाँ जी, हाँ जी, गणेश का आकार बन रखा है। और ये पार्वती मंदिर है, यहाँ पार्वती जी रहती थी। सूर्यकुंड है ये, सूरज कुंड। इसके नीचे शिवलिंग है। अच्छा, शिवलिंग पे पानी गिर रहा। अच्छा, ये झरना गिर रहा। अच्छा, ये शिवलिंग पे गिर रहा। अच्छा, क्योंकि जब शिव ने अपनी जटा में गंगा जी को लाया था ना, तो अपनी जटा में समाया था। अच्छा, तो इस नाम के, इसके वजह से इसका नाम सूर्यकुंड पड़ा, सूर्यकुंड। और ये जो नीचे शिवलिंग गिर रहा है, शिवलिंग दिखाई देता कभी? पानी गिर रहा है। हाँ, तो शिवलिंग दिखाई, शीतकाल में दिखाई जाता है, जब पानी जम जाता है ना पानी से, तब शिवलिंग दिखाई देता है। अच्छा, कितना बड़ा शिवलिंग है? पता नहीं चीज कितने गहराई में पत्थर का है, पत्थर का शिवलिंग में। और देखता था जब पानी जम, पानी जम जाता है, पानी कम होता है ना, पानी जम जाता है, ठीक है। कह रहे मैंने नाना है,
नहाने तो ऊपर से आ रहे हैं तुम, नहाने तो बात ही की नहा सकते हैं। हाँ तो पूरा नहा रहे, घाट पे नहीं देखा आपने नहाते? ये भी जाएंगे ना आपके साथ, आप देखोगे अभी अभी नहाएंगे ये मुँह धो लेंगे, वही पत्थर उठा के मुँह को ऐसे ऐसे मुँह पे लगा देंगे। हाँ वो नहीं, साबुन वाबुन लगा के नहाएंगे ना, शैम्पू शैम्पू करेंगे। सुनील भाई के पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है ना, नहीं तो ये भाग के कर देते इसको। तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ वो तो है। चलो चलो कल भी तो ये हमारे गाइड भैया ने बताया कि जैसे यमुनोत्री की जो माता जी हैं उनको नीचे ले जाया जाता है, यहाँ पे गंगोत्री की माता जी को भी नीचे लेके जाता है। धराली के पास एक गांव है मुखमा, तो वहीं पे 6 महीने वो रहती हैं और उसके बाद फिर मई जून में नहीं अप्रैल मई में उनको वापस दोबारा यहाँ पे लेकर आया जाता है। अच्छा। तो और एक और चीज़ कि जब 2013 में केदारनाथ वाली जो आपदा आई थी उस टाइम पे यहाँ पर भी दिक्कत हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हुई थी। रेस्क्यू किया था लोगों को हेलीकॉप्टर से, रस्ते वस्ते टूट गए थे, पर बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे जितने केदारनाथ में हुई थी। और लोग यहाँ से वापस, जैसे सीजन ख़त्म होगा तो लोग वापस चले जाएंगे नीचे या क्या होगा? यहाँ से सारे लोग नीचे चले जाते हैं उत्तरकाशी में। अच्छा। यहाँ पर कुछ साधु लोग, आर्मी के लोग और फॉरेस्ट ऑफिसर्स, सिर्फ वही रहते हैं। अच्छा। बाकी सबके सब नीचे चले जाते हैं, बर्फ़ पड़ जाती है यहाँ पे काफ़ी फीट, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वैसे भी रह नहीं सकते। सही बात है, चलो बढ़िया, और इन्फॉर्मेशन लेते हैं और लेते हैं। भाई सुनील भाई को डर लग रहा है अभी, जानवर वानवर जानवर को क्या पता है मैं कांपती हूँ। हाँ खुला जंगल ही तो है, जंगल ही है वो तो है, क्या हो सकता है? जानवर तो नहीं रहते यहाँ पे, जानवर भी रहते हैं। कौन से हैं? भालू 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 और बरल, बरल वो कौन सा होता है? ये वो होता है शायद हिरन, है ना, हिरन, बरल हिरन। अच्छा और भैया कौन सा? और स्नो लेपर्ड होता है। हाँ जी स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। अच्छा तो सब तेज भाग लेते हो ना सुनील भाई? भागा नहीं जाएगा, स्नो लेपर्ड भी है, भालू भी है, हिरन भी है, भागा नहीं जाएगा, छुपक जाएंगे। छुपक जाओगे? भागा नहीं है, छुपक जाओगे यार। ठीक है, छुपन छुपाई थोड़ा ना चल रहा है। भालू बोलेंगे बाबा हम तो यहाँ पे स्नान करने आए थे। स्नान करने से पहले तू भाई स्नान करने दे, उसके बाद तू अपना जो करना कर लियो है। ठीक है आप थोड़ा सुना दो कि हमारे को फ्रेश होने दे, पाप धोने दे। क्यों? सही बात है। दो चार वीडियो भेजेंगे, दो चार वीडियो डालने दे यूट्यूब पे हमारी, उसके बाद तू जो कर लियो। वैसे यहाँ पे फर्स्ट स्नोफॉल जो इधर की हुई थी वो 18th अक्टूबर को हुई थी। अच्छा। अभी कल भी यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ पड़ी है। अच्छा। लेकिन अब कभी भी पड़ सकती है क्योंकि सीजन आ चुका है, तभी सारे ट्रैक्स बंद हो गए ना। हाँ ट्रैक सारे बंद है, मुख तपोवन, तपोवन ट्रैक है जो मुश्किल है और अभी तो हम कर नहीं सकते, हमने गोमुख करना था इस टाइम, लेकिन ये भैया जो हमारे गाइड हैं ये भी गोमुख और तपोवन लेके जाते हैं। हम नेक्स्ट टाइम, हमने प्लान करा नेक्स्ट ईयर शायद हम तपोवन करेंगे जो 4 डेज का ट्रैक है, बहुत मुश्किल है वो ना। हाँ ठीक है। कहाँ? नहीं नहीं पत्थर है, पत्थर है, लग रही है आपको तो स्नो हर जगह दिखाई दे, बर्फ भी बर्फ दिखाई दे जाती है, ये भी बर्फ है, ये पत्थर है भाई, वो देखो ना वहाँ पे वो लग रहा है। नहीं नहीं वो भी पत्थर है। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीन, क्या बोलते हैं? The grass is greener on the other side. The grass is greener on the other side. Always greener. Always greener on the other side. ठीक लगेगा। हाँ? क्यों? क्या? मैं बर्फीली और पहाड़ी चोटियों पे घूम रहे हैं। हाँ। ट्रैकिंग कर रहे हैं तो बर्फ ही दिखेगी ना। बर्फ ही। पत्थर भी चमकता हुआ बर्फ ही दिखेगा। बर्फ ही लगेगा। सही बात है। क्यों? वैसे ही अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए ना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो जी ये पेड़। हाँ। कैसे यहाँ से आप व्यू देखोगे ना। हाँ। हाथी की सूंड की तरह इसका दिखाई दे रहा है। हाँ। सही बात है। तो लगता है वापिस चलते हैं, गाइड साहब को जा रहे थे। वो आगे चले जा रहे गाइड भी अकेले जा रहे। हाँ हमारे को देखने आए, कुछ देखने आ गए। क्या कह रहे हो? हमारे को दिखाने आए, कुछ देखने कुछ देख। क्यों? सही बात है, कुछ बताओ तो सही। बताएंगे, वहाँ जाएंगे बताएंगे ना। उन्होंने बता तो दिया भालू है। इस जगह का नाम है पटांगना। पटांगना क्योंकि ये एक ही स्टोन है, पूरा एक ही स्टोन है, एक ही पत्थर है, सारा एक ही पत्थर। अच्छा। है।
इसके नाम से जो इस जगह का नाम पटांगना पड़ा। पटांगना एक ही पत्थर है ये पूरा, ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ना जी, ये पूरा एक ही पत्थर है, तभी इस जगह का नाम पटांगना है। पटांगना, हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है पटांगना? पटांगना का पटांगना, पटांगना का मतलब भैया, पटांगना मतलब बहुत है, पटाल हो गई एक ना, पटाल पटाल, पटाल मतलब एक एक पत्थर, एक पत्थर, पटाल मतलब एक एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर। सुनो भाई, झुक के जाना है यहाँ से। खतरनाक रास्तों से होते हुए, खतरनाक रास्तों से होते हुए वीरान जंगल के बीच, वीरान जंगल के बीच बेयर ग्रिल्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और चट्टानों के बीच से हम निकल गए। कितना आगे भैया? भैया ये पूछ रहे हैं सुनील भाई, कितना आगे? और पहले बता के चलते ना, मैं वहीं रह जाता। आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर बस, और आधा किलोमीटर पहले पता होता तो कुछ कुछ ले आते। वो क्या होता है? ओ पंप, पंप, अच्छा ऑक्सीजन सिलेंडर ना उठा लेते। सांस तो थोड़ी चढ़ रही है ना यहाँ पर। हाँ चलो चलो, क्या हुआ? निंजा जगह मैंने दे रहा हूँ, टॉर्च है मेरे पास। क्या कह रही हो तुम? तो क्लास के दौरान भी जब आप कॉन्टिन्यूसली बोल रहे होते हो तो हालांकि आप बैठे हुए हो लेकिन बैठे बैठे भी बोलते बोलते आपको सांस चढ़ रही होती है। हाँ ऑक्सीजन झुक जाना है, झुक के आना थोड़ा सा। सुनील भाई शॉर्टकट मार लो। सुनील भैया शॉर्टकट के कोच, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। सर फुड़वाई बैठे शॉर्टकट के चक्कर में सर फुड़वा लिया। ये तो अच्छा कपड़े हम पट्टी भी पहननी पड़ेगी। ये तो अच्छा कपड़े हम ठीक पहन गए हैं, ज्यादा ज्यादा ना टोपी पहनने की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना पट्टी। फिर भालू वालू मिल जाए ना मेरे, जिसको दिख जाए वो भाग जाए, ठीक है, दूसरे को बताए ना, ठीक है, भालू वालू वालू जो अपनी जान बचा सकता है वो बचा ले। पता चले हम इतनी जोर से चीखे कि भालू भी डर के भागने शुरू करते, बोल के भालू भालू भालू। मतलब भाई मेरे पीछे भी देखो कोई आना, क्या आपके पीछे तो मैं आ ही रहा हूँ, मेरे पीछे कोई आ गया तो पता नहीं हम आगे चल रहे हैं, पीछे बंदा आ ही नहीं। कोई तो नहीं, अगर पीछे से कोई आया तो आवाज़ तो मैं आगे, आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे चलो। ठीक है आओ आगे चलो, ठीक है, जैसे वो गाइड साहब जा। अरे भालू वालू आ जाए पेड़ पे चढ़ जाओ, पता है भालू को आते चढ़ पेड़। हाँ भालू को, भालू आ जाए ना, ये बड़ा वाला पत्थर है इसके पीछे भागो, गोल चक्कर साक्षी। कह रहे हैं भालू आएगा ना तो ये जो बड़ा पत्थर पड़ा ही है इसके गोल गोल घूमूंगा, ठीक है, भालू थक जाएगा। भाई भालू ने ना रोक के सुनील भाई कुछ कहना नहीं है फिर, ठीक है ना। भालू ने ना पहले बोला भाई साहब पहले तुम खेल लो, खेल लो पहले तुम खेलो फिर मैं खेलूंगा। सही बात है। हाँ हो रहा, मंदिर अभी तक नहीं गए? नहीं नहीं, नहीं। अब आप लेके जाओगे ना भैया? नहीं नहीं हम गए नहीं, फिर हम वापस आ गए थे खाना खा के, परोंठे खा के वापस आ गए थे, परोंठे खा के वापस आ गए थे। टिक्की अच्छी थी ना? टिक्की टिक्की तो अब खाएंगे शाम को, टिक्की है शाम को फिर खाएंगे, सच में टेस्टी है। और जंक फूड, आज जंक फूड डे है, ठीक है, जंक फूड डे है आज, हम सारा ऐसे ही खाएंगे, टिक्की, चाउमीन थी, चाउमीन, डोसा, और क्या था, हम तीन दिन से यार रोटी सब्जी, तीन दिन से तो परोंठे ही खा रहे हैं। सही बात है, थोड़ी ताकत बना रहे हैं। हाँ जी, ये वैसे है बरकोट के परोंठे अच्छे थे, बरकोट के ना, हाँ चटनी जैसी बड़ी चटनी। हाँ वो भैया देख रहे होंगे बरकोट वाले भी हैं। हाँ तो बरकोट में चटनी के ही सारे पैसे थे, चटनी के पैसे। अब हम पांडव गुफा के अंदर एंटर करने वाले हैं, देखते हैं कैसी है। थोड़ा डाउन करना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी,
यहाँ पांडव आए जब वो सर के लिए निकले ने, तो इस समय हम बैठे हैं पांडव गुफा में। और क्या भी है पांडव गुफा में? हाँ, ये पांडव गुफा है, यहाँ से बैकुंठ धाम के लिए गए थे पांडव। अच्छा, बैकुंठ धाम। और ये हम गुफा से बाहर आ रहे हैं जो पांडवों ने बनाई थी। आराम सिर बचा के नीचे नीचे से नीचे से नीचे डाउन हो जाओ, डाउन हो जाओ, आगे तक नीचे नीचे और आगे तक और नीचे नीचे। सुनील भाई नीचे नीचे हो गया ना, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम आराम से। ये पत्थर ऊपर खड़ा सर पे ना दिया, आराम से आराम से। खड़े मत खड़े मत हो ना, नीचे रहो, आगे तक बैठे रहो, बैठे रहो, आगे जाओ, आगे बैठे रहो, बैठे और आगे और आगे। ठीक है, अब उठ जाओ। हो ये पांडव, हाँ फाइनली हो गया। कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा एक ये ले सकते हो, यहाँ पे वो जो ये सुनो, ये देखो ये लिखा है सुनील भाई। हाँ जी हाँ, लिखा गोहाना सोनीपत। जैसा हम सुबह बात कर रहे थे, हाँ, कि हम इंडियंस हर जगह पे अपना नाम और नंबर लिख देते हैं, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ, डेट। मैं पेन नहीं लाया, नहीं तो मैं भी लिख देता कि मैं भी आया था, मैं भी आया था। तू लेना एक ले लो इस जगह से। हाँ फोन रह गया, फोन करता सुनील भाई का फोन रह गया, अभी गिर गया था वहाँ पर। नहीं तो फिर पांडव जी, पांडव पांडव जी मैं फोन करता, फिर पांडव जी फोन उठाते। फोटो लेना तो ले, फोटो खींच रही है ये भाई, जल्दी वीडियो बना ले भाई, कमर मुड़ गई है, बना रहा हूँ, होगी होगी ना। वीडियो के चक्कर में कमर की दवाई ना लेनी पड़ते, लगानी पड़ेगी। हम ये पंडित जी अंदर बैठे हैं, वो ये महाराज जी है। अच्छा, ये सीताराम महाराज है। अच्छा, ये 12 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये यहीं पे शीतकाल में भी रहते हैं। अच्छा, और अभी भी रहते हैं। तो बारह महीने ठंड, बाहर बर्फ रहती है, अंदर ही रहते हैं। अंदर रहते हैं। तो खाते पीते हैं? ये 6 महीने का स्टॉक कर देते हैं। अच्छा, 6 महीने का रख लेंगे। चलो चलो जी, ठीक है, बढ़िया बात है। सुनील भाई मैं तो कह रहा हूँ कभी आप भी यहाँ ठंड में अंदर गुफा में यहाँ आएंगे, जब थोड़ा टाइम है, जब बच्चों की शादी शुरू हो जाए उसके बाद आएंगे, फिर आप हमारे से यहीं पर ही मिलने आओगे, हमारी वीडियो बनाने आएंगे। पंडित सुनील भाई है। हाँ जी, यहाँ पे मैं बुलाया नहीं, पेंट नहीं तो मैं अपना नाम लिख के जाता भाभी जी से, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आने के लिए। हाँ जी, है ना, सही बात है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम मना करते हैं, बर्फ के साथ ही जाना। सही बात है। फोटो खींचो भाई, नहीं टूट ना जाए पेड़ भाई, नहीं मजबूत है, पांडव यहाँ रह के जा चुके हैं। ये पीछे ना जाओ, पीछे में चले जाना आराम से, जाना बाहर मत जाना, फिर करना पड़ेगा इसे, बेरिंग खराब हो जाता ना। ओ गिर मत जाना। फोटो कैसे करो? भरत वैसे फ्रेम में तुम आ रहे थे, पीछे को स्टेटस में डाले व्हाट्सएप स्टेटस के चक्कर में, भरत आ पीछे जान दांव पे लगाई हुई है। हो गई, हो गई, उतरो, उतर जाओ, उतर जाओ, उतरो आराम से। एक ऐसे भी खेलता था, थका हुआ बंदा बैठा था, ओके जंप जंप, आधा फुट की जंप थी, आधे फुट से भी कमी है, आधे से भी कमी है। इन्होंने 40-45 साल पूरे हिमालय का, अच्छा, ये ट्रैवलिंग किए हैं और ये जितना फोटो है सब उन्हीं का खींचा हुआ है। अच्छा,
और इनके स्वामी हुआ करते थे तपोवन महाराज जी। अच्छा, चिम्यानंद महाराज जी, स्वामी चिम्यानंद जी दोनों गुरु भाई थे ये। अच्छा, और इनका नाम क्या है जिन्होंने? स्वामी सुंदरानंद महाराज, सुंदरानंद जी। ऐसे फोटो वाले बाबा से भी जाने जाते हैं लोग। तो इन्होंने ये सारी फोटोज उन्होंने खींची जी, उन्होंने कलेक्शन की। अच्छा, तो कितने सालों में? 40-45 सालों में पूरे हिमालय का भ्रमण किए इन्होंने। अच्छा जी, तो वो उन फोटोज का यहाँ पे कलेक्शन? यहाँ कलेक्शन किए, ये 3 मंजिल में पूरी कलेक्शन है फोटो की। अच्छा, ये 8 गैलरी इसी के लिए बनाए उन्होंने। वो है बुक सामने, वो पेज। अच्छा, जो बुक हिमालय है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विमोचन किया था उनकी, इनकी बुक का 2002 में ये बुक है। बुक आज से 50 साल पहले का है, अब तो ऐसा नहीं रह गया। अच्छा, ये जी 50 साल पहले? जी 50 साल पहले की फोटो है जी। ये किताब देखी इन्होंने? अच्छा, ये अटल जी की। ये जगह जगह पर अपना ये शो देते थे। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में। हाँ जी, और पूरा इन्होंने मतलब पूरे अपने भारतवर्ष में पूरा मतलब भ्रमण किया है। ये गौरी कुंड है, स्वामी जी बताते हैं कि बोलिए शेष नाग का आकार है। अच्छा जी, ये वो दलाई लामा जी। दलाई लामा जी, इनका बचपन का। ये स्वामी जी का कुटिया है तपोवन महाराज के, 100 साल हो गए कुटिया के। अच्छा, तब ये सुंदरानंद जी के गुरु जी थे। अच्छा जी, 1921 की बनी है जी जी। आज 2021 जी, 21 चल रहा है, 21 हाँ, 100 साल बाद आए हम पूरे जी। चलो बढ़िया। ये स्वामी जी हमारे से हैं। हाँ जी, ये भी सेवा किए उनके बाद, ये सुंदरानंद जी के बाद। अच्छा जी, बढ़िया। मुश्किल है यहाँ रहना, रो तो इतने साल रह गए जी ठंड में। ठंड में भी ये रहेंगे नहीं? हाँ जी, ये रहेंगे यहीं पर, बर्फ के समय भी रहेंगे शीतकाल में। चलो, थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम सहदेव यादव। सहदेव यादव जी, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर। 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आ गए हैं हम, आरती के लिए जा रहे हैं, जो आरती स्टार्ट हो चुकी है। थकावट तो नहीं हुई सुनील भाई? हुई तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पता होता कि ये 5 किलोमीटर का, फिर तो आप नहीं जाते हैं? फिर तो मैं नहीं आता, फिर तो मैं थोड़ा रेस्ट करते हैं। आज सत्य माया जगदम्बा की जय, चारों धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय माता की जय, अपने गुरु महाराज की जय, भारत माता की जय। और ये है घाट।
अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। पानी में हाथ डालो। जबरदस्त। तो 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद, थोड़ा हाइकिंग करने के बाद, अब समोसे और छोले गरम गरम खाने। तो हमने थे टिक्की, लेकिन बंद हो गई है ना। बंद हो गई, ज़्यादा क्राउड है नहीं, क्राउड है नहीं, ठंड ज़्यादा है। टिक्की ना मिलने की वजह से दिल टूट चुका है, दिल टूट चुका है टिक्की की वजह से। नहीं तो समोसे खा रहे हैं और चाउमीन भी खा लेते हैं, वहाँ तो लग रहा था कि अच्छी है ना। चलो समोसे खाते हैं और चलते हैं फिर, और उसके बाद करेंगे डिनर। हाँ जी। तो समोसे खाने के बाद हम चले गए होटल। ठीक है जी, अब आए हैं डिनर करने। सुनील भाई और मैंने करना है डिनर, साक्षी नहीं कर रही, समोसे से पेट भर गया। तो हमारा ये आ गया है डिनर, जिसमें एक सब्जी है, दाल, 2 रोटियां दिखाने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से आज चले हैं 5 किलोमीटर, तो 6-6 रोटियां तो बनती हैं। हाँ जी। अब भरत भाई ने ट्रैकिंग करवा के तो थका दिया, और कह रहे कल सुबह 7:30 बजे जाना, और बाद में ट्रैकिंग करवा दी है। तो सुबह 8:30 तक निकल जाएंगे ना। 8:30 तक, क्योंकि हमने सोचा कि हम सुबह नहा के नहीं जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपए की बाल्टी मिलती है नहाने की, गर्म पानी की। भाई ऐसे मुंह धो ले, आप नहाने जाते हो पानी ठंडा हो जाता है। और अगली वीडियो में सुनील भाई 1-2 बढ़िया चुटकुले भी सुनाने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। केदारनाथ की, केदारनाथ में सुनाएंगे, गधे की बात बताएंगे, गधे की एक बात बताएंगे केदारनाथ में। ठीक है, हाँ जी। चलो फिर खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, बंद तो कर दो ढक्कन। क्लोज।